you very much. So we'll check how much up. Then it's a bit of VIP and IHRO, Telangana and Andhra Pradesh for coming to our place and felicitating us by presenting a shawl and bouquet. On the eve of the Water's Day today, it gives me a great pleasure to receive the honor from your organization on the eve of 25th January, which is the National Water's Day. Today is a very important day. भारत को आजाद आके 75 years हो चुका है. कुछ दिन पहले भारत देश में लोगों को वोटिंग के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, बल्कि भारत सरकार भारत लोगों को वोटर्स के बारे में अवगहना, इसका मतलब मालूम करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है. वो प्रोग्राम के मुताबिक से अभी अवेयरनेस प्रोग्राम पूरा कंट्री में हो रहे हैं. अपने को 1947 में, दैट इज 15th अगस्त 1947 में आजादी आया, लेकिन अपना देश में उस वक्त बहुत अनएजुकेटेड थे. अभी आजादी होने के बाद ज्यादा ज्यादा डेवलपमेंट हो गया इन ऑल डिपार्टमेंट्स. यहाँ की कचर हो, द इंडस्ट्रीज हो, द फैक्ट्रीज हो, द एजुकेशन हो, ऑल द डिपार्टमेंट्स. स्टिल डेवलपमेंट अभी होने का है, होना जरूरी है. ये कंट्री में अभी गरीब लोग हैं, अभी खेती बाड़ी में बहुत डिफिकल्टी भी हो रही है, फिर भी जो है यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम्स के अमल करने में बहुत अच्छा कोशिश हो रहे, वो बहुत खुशी की बात है. अभी अपने को 1947 में आज़ादी तो आया, लेकिन जो ये आज़ादी को बचाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन आया है, जिसको कहते हैं आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से अपने जो एक इम्पॉर्टेंट हक आया, वो हक है वोटिंग हक. वोटिंग हक का मतलब क्या है? जब किंगडम जाके जब डेमोक्रेसी नेचर ऑफ गवर्नमेंट आ गया, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है बोले तो लोगों से एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके चुनाव में वोटिंग से वो लोग अधिकार दिए, तो वो लोग राज को पालन करता है. उसका मतलब डेमोक्रेसी है. वो डेमोक्रेसी में लोगों को चूज करने के लिए वोटिंग डालना जरूरी है. उसी जैसा अपने को वोटिंग एक्ट आ गया. वो वोट कौन डालता है? हर एक सिटीजन डालना है. लेकिन कई दिनों से लोगों को वोटिंग के बारे में, उसका इफेक्ट के बारे में इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, तो वो मस्जिद होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट कई साल से ये दिन को 25th अगस्त, टुमारो इज द रिपब्लिक डे, टुडे इज द वोटिंग डे. सो रिपब्लिक डे का मतलब क्या है? जो कानून जिस दिन अमल में आया है उसको कहते हैं रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे में कानून बनाने का, कानून अमल करने का और कानून इंसाफ करने का, ये तीनों जो कॉन्स्टिट्यूशन विंग्स है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वोटों का जरूरत बहुत है. अपना सिस्टम में ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, म्यूनिसपालिटीज एट द म्यूनिसिपल लेवल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल, देन असेंबली एट द स्टेट लेवल,
ले स्टेट काउंसिल एट द स्टेट लेवल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट नेशनल लेवल, ये पूरा लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करने का जरूरत है, एक्सेप्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स के अलावा ऑल जो एमएलए शुड बी इलेक्टेड, ऑल द ग्राम पंचायत मेंबर शुड बी इलेक्टेड, सरपंच शुड बी वोटेड बाय द मेंबर्स, द काउंसिल्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड बी इलेक्टेड एंड द मेयर विल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द municipal councillors and people will elect the MLAs and people will elect the MPs. This is kaisa kanun banta hai, kaisa administration chalta hai. Ye administration mein har ek citizen ka vote dalne ka bahut zaruri hai. Vote ka zarurat itna importance hai, ek aadmi ko patta jaisa है तो कितना अच्छा खुश होता है, ये वोटिंग डालने का जो हक जो है वो उतना खुशी का बात है. तो इसीलिए आज नेशनल वोटिंग डे है. इस सिलसिले में आप लोग हमारे पास आके जो रजिस्ट्रेशन करना हम लोगों के देना बहुत खुशी हुआ. इसका मतलब आपका ह्यूमन राइट का तरफ से जो है आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो एक्टिविटीज में वोटर्स का वोटिंग इम्पोर्टेंस का जरूरत क्या है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है बोल के उसके बारे में भी ज़्यादा प्रोग्राम करना और ज़रूरी है. तो आप जितने काम कर रहे हैं आपका ह्यूमन राइट कॉर्डिनेशन के बारे में, उसके साथ ही साथ जहाँ जो मीटिंग होता है वो मीटिंग में इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग का बारे में भी बोलना ज़रूर है. सो टूडे I am wishing all the voters who are the members of this great country to know the importance of the voting and cast their voting without fear or favor according to their will and make the country to be a very real democratic country in the future. Thank you very much. Subscribe our channel and press the bell icon for updates.